हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड टेन स्पोर्ट्स आवर कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप लाइव फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड दोस्तों आज है बड़े मुकाबले, उस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि उस तरफ चले आपको मिलवाते हैं अपने पैनलिस्ट से। आई हैव विद मी four sensational superstars, legends of the game in the pavilion with me. The Sultan of Swing, Wasim Akram. The toe-breaking and nerve-wracking Waqar Yunus. Cool, composed and always on the ball, Misbah ul Haq. The young, dashing and mostly tired in the evenings, Wahab Riaz. Assalamu alaikum, gentlemen, and welcome. Another big day of cricket. Let's take a look at what we have at hand. आज दो बड़े मुकाबले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर पहला मैच जो है वो है अफगानिस्तान बामुकाबला नमीबिया। नमीबिया की बड़ी ही शानदार स्टोरी है, एक एसोसिएट टीम जो कि सुपर 12 में पहुंची है और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ पहुंची है, और ये बड़ा अच्छा मुकाबला होगा चूँकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स डेफिनेटली टेस्ट करेंगे नमीबिया को। हालात और कंडीशन कैसे, इस पर बात करेंगे। दूसरा मैच बहरहाल फाइनली इट इज इंडिया द होस्ट वर्सेज न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। इंडिया, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि फखर भाई ये इतना बड़ा गैप क्यों है इंडिया के मैच के बीच में, इनको इतना ज़्यादा रेस्ट क्यों दिया गया। तो वो बुनियादी तौर पे दोस्तों इसलिए दिया था कि जितने टीवी टूटे थे उनको रिपेयर कराने का मौका दिया जाए ताकि अगले मैच के लिए इंडियन फैंस देख सके। आज इंडिया का बड़ा इम्तिहान है क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को वर्ल्ड कप में दो दफ़ा मुकाबला, जब इनका आमना सामने हुआ है तो दोनों दफ़ा न्यूजीलैंड जीता है। सो दिस शुड बी ऑल्सो वेरी बिग गेम। लेट्स टॉक अबाउट बोथ दीज टीम्स बिकॉज न्यूजीलैंड एंड इंडिया हम इन दोनों को हरा चुके हैं अपने पूल में अभी तक। सो द पाकिस्तानी फैंस मस्ट बी हैप्पी, स्माइलिंग, ग्लोरियस। लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्कोर कार्ड। दिस वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दिस वाज द ओपनर, द बिगेस्ट गेम इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट द रिंग ऑफ फायर। कहना था लोगों का, बड़े बड़े लोगों का ये कहना था कि जनाब ओहो ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जीतता इंडिया से और ब्ला 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 ब्ला, बट लुक एट दैट। इससे ज्यादा कन्विंसिंग मेरा नहीं ख्याल विक्ट्री किसी के लिए हो सकती है वसीम। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। या इट्स अ ह्यूज गेम एज वी ऑल नो। बड़ी डिस्कशन जैसे शुरू में कहा फखर ने अबाउट इंडिया नॉट प्लेइंग फॉर 6-7 डेज। आई सपोज इन द एंड इट्स नॉट इंडियाज फॉल्ट, जो भी हुआ वो आईसीसी का है, बट समटाइम इट कैन वर्क, समटाइम इट कांट वर्क। टूर्नामेंट्स लाइक दिस, हमें पता लग गया कि एक ग्रुप से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल खेलना है, पाकिस्तान ने खेलना है और इंडिया भी अपना दूसरा मैच खेलने आ जाएगी। आई थिंक वहाब या मिसबा हमें या वकार एक्सप्लेन कर सकेंगे, ये प्रेजेंट क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं ऐसे टूर्नामेंट में जो 3-4 हफ्ते का है, उसमें जब आपको 6 दिन का रेस्ट मिलता है एज ए टीम, जब बाकी टीमों को मैच प्रैक्टिस हो चुकी होती है, वो आगे गए हुए हैं, तो कैसा होता है वहाब, आई मीन जनरली अगर आप 6 दिन का रेस्ट से मुराद प्रैक्टिस तो रोज़ होती होगी। वैसे में प्रैक्टिस रोज होती है, बट इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू। डू यू वेट एज वेल कि कब आएगा? वी डू हैव टू वेट फॉर इट एज वेल, और प्लस जब दूसरे मैचेस चल रहे होते हैं, जिस तरह आज सिचुएशन ले लें आप न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच की, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने हरा दिया, सो देर इज वन क्लियर टीम विच इज गोइंग इन टू द सेमीफाइनल। अब मुकाबला है इंडिया का न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का। 6 दिन इंडिया ने वेट किया, लेकिन अब द प्रेशर इज कि अगर आज हार गए तो क्या होगा। सो अगर आप मैचेस खेलते रहते हैं तो जो मैच मोमेंटम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो कि अगर वो पिछले 6 दिनों में अगर उन्होंने नमीबिया से खेला होता या उन्होंने स्कॉटलैंड से खेला होता तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होता, नॉट दैट कि वो लोग उनसे हार जाते या मैच थोड़ा सा फंस जाता या थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाता, बट दैट वॉज अ मैच प्रैक्टिस। क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, खेलने के बाद 6 दिन का गैप हुआ, 6 दिन में पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस और जीते, जो कंपेटिटिव टीम्स थी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान उनको हराया, प्रेशर माउंट हो गया उनके ऊपर कि अगर आज हम न्यूजीलैंड से नहीं जीतते तो वी माइट बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड विद दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी व्हेन यू गो इनटू द ग्राउंड, आप जितने मर्जी वेल प्रिपेयर्ड हो, आप जितनी मर्जी आपकी अच्छी टीम हो, जितना मर्जी कॉम्बिनेशन हो, यू हैव दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू। अब वो बेशक कंडीशंस के ऊपर जाएँ या जिस मर्जी के ऊपर जाएँ,
न्यूजीलैंड को एडवांटेज है कि न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली दो तीन दिन पहले मैच खेला, दे प्लेड वेल, मैच फंसाया भी था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान वन इन द 18th ओवर, सो दे विल हैव अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर. इंडिया विल फील ऑल्सो दैट प्रेशर कि दो मैचेस हम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से ऑलरेडी हारे हुए भी हैं और अब आज का मैच हमारे पास है, तो अब पता नहीं हम क्या करेंगे. जनरली स्पीकिंग, डू एज अ प्लेयर यू गाइस थिंक कि वो दो साल पहले या पांच साल पहले हमसे वर्ल्ड कप में हम हारे हुए हैं? देखिए प्रेशर तो रहता है. ओके देखिए पाकिस्तान की एक जिंक्स चल रही थी कि यार हम लोग हर दफा हार जाते हैं, देयर इज नो प्रेशर, हम खेलते ही नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू अ स्टेज लाइक दिस वर्ल्ड कप, सो इट ऑलवेज माउंट दैट प्रेशर. और अब सबसे बड़ा प्रेशर ही है कि अगर आज न्यूजीलैंड हार जाती, जीत जाती है इंडिया से, तो इंडिया इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट. और बांग्लादेश ऑन द अदर हैंड, अफगानिस्तान को क्या, दे विल बी ऑन 4 points एनीवेज, उन्होंने नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराया, बट दे विल बी ऑन द 4 points सेइंग कि ठीक है अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी टीम हारेगी, बिकॉज दे आर इन अ चांस टू बीट न्यूजीलैंड एज वेल, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, सो द प्रेशर विल बी ऑन इंडियन टीम अलॉट कि एक तो वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, एक उन्हें न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, एक 6 दिन बाद खेल रहे हैं, मैच वो हारे हैं जिसमें वो पूरे 10 विकेटों से मैच हारे हैं, ठीक है जी, और 150 स्कोर पे वो आउट हुए हैं और उसमें भी उनके 4-5 पहले आउट हो गए हैं. सो यू नो दैट कॉम्बिनेशन हैज टू ग्रो एज अ टीम, दैट कॉम्बिनेशन हैज टू वर्क, दैट कॉम्बिनेशन हैज टू प्ले. क्रिटिसिज्म वकार ऑन हार्दिक पांड्या बिकॉज ही इज प्लेइंग प्योरली एज अ बैट्समैन, ही इज नॉट बोलिंग. यू थिंक दैट्स अ गुड इनफ काइंड ऑफ फ्रॉम एन ऑलराउंडर टू प्ले हिम एज अ बैट्समैन? आई नो इज अ बिग हिटर एंड ही कैन फिनिश द गेम, but do you think it's worth it to have a player like this in the squad where he is not bowling? Wasim bhai, India I think were overconfident, yeah, to begin with. Wo isliye ke they were thinking ke hum Pakistan se jeet jayenge phir 6 din ka gap aayega. This was their imagination ke 6 din ka gap aayega aur phir kya hoga ke hame idea ho jayega ki kya ho raha hai is tournament mein. Lekin जैसे वहाब ने कहा ना कि वो हारे फिर हम दो मैच बड़े मैच जीते, तो नाउ द प्रेशर इज ऑन देम और उनके प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा जिस पे वो मेजरली बैंक कर रहे थे. और यू नो हार्दिक पांड्या नो डाउट इज अ वंडरफुल वाइट बॉल क्रिकेटर, ग्रेट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, लेकिन ये है कि रन्स नहीं किए हुए और आपको पता है मुझे भी पता है मीडिया नहीं छोड़ता, मीडिया प्रेशर क्रिएट करता है. आई थिंक प्रेशर इसके वो जो है इनका शरदुल ठाकुर उसको खिलाया जाए उसकी जगह, दैट्स व्हाट द मीडिया प्रेशर क्रिएट करता है. और हार्दिक पांड्या अगर बॉल नहीं करेगा तो आई थिंक उनकी टीम में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहेगी. सो हिम एज अ सिक्स्थ बॉलर यू आर सेइंग शुड बी अवेलेबल, यू ऑलवेज हैव टू हैव सिक्स बॉलर्स, यू कांट जस्ट हैव 5 बॉलर्स. T20 क्रिकेट में देखा है, रात को भी देखा कैसी प्रकाश पड़ी है उनको. ऑस्ट्रेलिया ने 5 खिलाए हैं ना, एक बैट्समैन कम करके. उनको उन्होंने फिर मैक्सवेल को हाल ही नहीं पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा. सो उनके भी छठा बॉलर आजकल की क्रिकेट में आपको, इट्स एन ऑलराउंड गेम, व्हाइट बॉल क्रिकेट इज ऑलराउंडर्स की गेम है. अगर आपको जितने ऑलराउंडर्स होंगे, इंग्लैंड की टीम देखें, द फुल ऑफ ऑलराउंडर्स. जहाँ तक वहाब ने जैसे कहा प्रेशर बिल्डिंग की बात है, अब न्यूजीलैंड, अब इंडिया इज अंडर मैसिव प्रेशर. और आई वॉन्टेड टू जस्ट डिस्कस के आपने कहा ना, आपने पूछा वो आपसे कि अगर लंबा गैप हो जाए तो क्या होता है. आई जस्ट वॉन्ट शेयर अ स्टोरी कि जी जब 2011 था, जब वर्ल्ड कप था, जब देन वी हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ना, श्रीलंका हम लोग में, हम नहीं, इन इंडिया, इंडिया श्रीलंका, वी वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन बांग्लादेश बिकॉज वर्ल्ड कप हमारे रीजन में हो रहा था. और क्या हुआ कि फ्रॉम देयर वी हैड टू गो टू इंडिया, चंडीगढ़, मोहाली, और वी हैड टू वेट देयर. और उन दिनों हालात भी मुल्कों के ठीक नहीं थे और हमें इवन पर्दा भी खोलने का ना, जो विंडो की जो कर्टन था, हाँ. सो वी वर देयर फॉर 7 days बिफोर द नेक्स्ट गेम. और वो जो एक टीवी था, प्रैक्टिस पे जाते थे एंड टीवी एंड द रूम, इट वॉज लाइक अ क्वारंटीन. ओके, तो इट वॉज इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था, इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप बिफोर द सेमीफाइनल. It was hard to cope at the time. Achha. And I feel India is going through the same at the moment. They lost to Pakistan. If they lose today, they'll have problems. I will elaborate this, jo Vicky bhai keh rahe hain. Aur jab hum room mein gaye, you know, India, they have a massive industry of movies and stuff and entertainment like this. लेकिन हमारे जो टीवीज थे ना वसीम भाई, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो चैनल्स आते थे ना, दे वर ओनली द न्यूज़ चैनल, देयर वाज नथिंग एल्स. और जब आप न्यूज़ चैनल लगाएं तो सुबह से लेकर रात तक वो 7 दिन ये चल रहा था कि सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान को ये कर देगा, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस में काला पत्थर मंगवा लिया, युवराज इस तरह खेल रहा है, सहवाग ये कर देगा.
सो यू नो आप इमेजिन करेंगे आप प्रैक्टिस और आपके पास कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, उन दिनों नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, नहीं यू हैव टू वॉच टेलीविजन, यू हैव टू वॉच टेलीविजन द मोस्ट, और फिर आप उस पे बैठ के देख रहे हैं अच्छा यार युवराज तो ये कर देगा, सचिन तो ये कर देगा, सहवाग ये कर देगा, हरभजन ये कर देगा, धोनी ये करेगा, तो हम क्या करेंगे? सो मेरा तो अच्छा गुजर, लेकिन छः सात दिन अब जिस तरह गैप आया है और ऑब्वियसली इंडिया हारा हुआ है, पाकिस्तान जीत गया है, उसकी भी एक हाइप क्रिएट हुई होगी, सो यू नो द मीडिया ऑफ इंडिया हैव अ मैसिव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन टीम, बिकॉज इंडियन को पता है कि पाकिस्तान अगर तो हार जाता कोई मैच तो दे वर वेरी रिलैक्स सेइंग कि यार अच्छा ठीक है ये एक मैच हारे, अरे वी आर इन अ चांस, नाउ they have no chance to lose. Too much pressure that is going on, and very rightly so, because 152 without loss, Misbah, you wanted to ask something, the same thing, so wo jis kisam ki defeat thi, the nature of defeat also probably will be playing a lot of tricks on their minds, because unke bowlers ne koi wicket nahi hasil ki, must be you know just building pressure, ek taraf top order fail ho gaya, dusri taraf bowlers ne kuch nahi kiya. देखें ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप सब लोगों ने की, वहाब ने बात की, वकार भाई ने कहा, प्रेशर आप पे बिल्ड होता है जब आप ऐसा मैच हार जाएं और फिर बीच में गैप हो और आपको पता हो, हर रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जाता है. बट हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इंडिया रिसेंटली ऐसी टीम है, उनका कप्तान ऐसा है कि दे जस्ट डील विद दिस प्रेशर वेरी वेल. ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि बिल्कुल वो 40 के पत्र कितने पे आउट हो गया, नेक्स्ट मैच दे वर अ डिफरेंट टीम, दैट्स बेसिकली समथिंग विच इज स्पेशल अबाउट दिस इंडियन टीम, कि वो बहुत जल्दी उस चीज़ को, उस प्रेशर को हटा के क्रंच मैचेस में, प्रेशर सिचुएशंस में अच्छा कम बैक करते हैं. नोइंगली आई थिंक कि ये ज़रूर होगा इंडिया के दिमाग में प्रेशर है, बट ऑन द अदर हैंड ये भी है कि उनको पता है हम न्यूजीलैंड को यहाँ हरा सकते हैं, कंडीशंस आर मोर सूटेबल टू अस, हमने पिछले दो प्रैक्टिस मैच बड़े अच्छे खेले, ओवरऑल हम अच्छा खेल रहे हैं, अगर ये मैच जीते हैं देन दे आर बैक इन द टूर्नामेंट. मिस्बा बायलैटरल सीरीज इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, जब आप वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रहे हैं द प्रेशर इज मैसिव. या वी नो बट जो कैरेक्टर है टीम का या कप्तान का या माइंडसेट है वो तो आपको पता चल जाता है ना कि प्रेशर सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं, कैसे डील करते हैं. आई सपोज आई बीन रीडिंग अ लॉट व्हाट विराट कोहली हैज बीन सेइंग आफ्टर स्पेशली मोहम्मद शामीज इंसिडेंट्स, ही इज मेकिंग द राइट नॉइजेस, ही इज स्पोक वेल, जहां भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां अपने जो उसने बयान दिए हैं, वेरी सेंसिबल, वेरी बैलेंस्ड. तो या वो तो है कि उनका लीडर ऐसा है कि उनको काम डाउन कर सकता है. देखिए विराट की सबसे अच्छी चीज ये है कि he knows about the game really well, plus he knows the situations. वो कभी भी आप उसको देखेंगे कि अगर इंडिया ने गलत खेला तो उसने कभी भी उस चीज़ को डिफेंड नहीं किया, उसने यही बोला कि हमने जिस तरह पाकिस्तान के मैच में, उसने कहा कि पाकिस्तान आउट क्लास्ड अस इन एवरी डिपार्टमेंट एंड द क्रेडिट गोज टू देम. सो यू नो इट सबसे अच्छी ये चीज़ है कि ही एक्सेप्ट द फेलियर जो उनका होता है एंड देन दे नो कि वॉट दे हैव टू कम बैक विद इन द नेक्स्ट गेम. सो यू नो ही somebody जो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है उसकी टीम के लिए कि बेशक टीम नीचे भी गिरी हो तो वो एक अकेला अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने एक एटीट्यूड से या द वे ही प्लेस ही कीप ऑन मोटिवेट्स द टीम. दूसरा मेरे ख्याल में ऑन द अदर साइड अगर हम न्यूजीलैंड को भी थोड़ा सा देखें द वे दे आर प्लेइंग और जिस तरह प्रैक्टिस मैचेस उन्होंने खेले हैं दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर. ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच समरी आपके सामने रखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर नजर डालें जरा, क्योंकि बिल्कुल एक अलग नौयत का मुकाबला था. इंडिया को तो बिल्कुल ही यानी कि बहुत ही डिस्टिंक्ट क्लियर डिफीट दी थी, बट लुक दिस वाज क्वाइट ए गेम अगेन. पाकिस्तान वाज चेसिंग, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 134 रन किए, पाकिस्तानी बॉलर्स दे डिड रियली रियली वेल. अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी, हारिस रऊफ वॉज दी हीरो ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच भी थे, बट सारे बॉलर्स का आप जरा देखें, इवन हफीज़ ने दो ओवरों में 16 रन देके सिर्फ एक विकेट हासिल की. दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि जो पाकिस्तान की बैटिंग थी, रिजवान बाबर गॉट आउट अर्ली, वी नो दैट, बट यू नो आसिफ मलिक ऑल चिप्ड इन देयर एंड देन इट वाज अगेन आसिफ अली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स जब उन्होंने एंड में आके मैच जो है वो उसको फंसाया है. जी बहाब आप कुछ हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस मैच में हम लोगों ने क्लियरली देखा कि विकेट इतना अच्छा नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. 134 वॉज नॉट अ बिग टारगेट अगर आप देखें एज कम्पेयर टू कंडीशंस, लेकिन न्यूजीलैंड की अच्छी चीज़ क्या है, अडॉप्टेशन ऑफ द सर्कमस्टांसिस और अडॉप्टेशन ऑफ द कंडीशंस क्या थी उनकी.
उन्होंने 134 पे भी जो डिफेंड किया वो उन्होंने पाकिस्तान को इतना इजीली रन स्कोर नहीं करने दिया, हालांकि ये कंडीशन ज़्यादा पाकिस्तान को सूट करती थी, पर उन्हें ये पता था कि उन्होंने खेला था कि विकेट पे क्या हो रहा है, दे असेसेड, और उसके बाद उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फिर जिस तरह हम लोग कल भी बात कर रहे थे 19th ओवर में दे गेव अवे द मैच, अ टारगेट ऑफ यू नो सेटिंग ऑफ 135, जस्ट चेजिंग 135, राइट। सो हम ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें, हम हमेशा न्यूजीलैंड को हर वर्ल्ड कप में राइट ऑफ करते हैं, नोबडी काउंट्स देम अ बेस्ट टीम, बट अगर आप पीछे रिसेंटली रिकॉर्ड निकाल के देखें तो न्यूजीलैंड हैज ऑलवेज क्वालिफाइड फॉर द सेमीज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स, बिकॉज they adopt the conditions really well, yeah, they know how to get into it, how to play the game. But Vicky, what baffles me about New Zealand is they only have about 5 million people or probably less or little more, and the sport is part of their culture big time. I mean, rugby, they're one of the best teams in the world now, cricket, they're one of the best teams in the world, even athletics, even name every sport, so they're very concentrated अपनी यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। जब ये भी होता है कि जब बहुत ज्यादा लोग हों जैसे इंडिया में है तो ऑफ कोर्स यू गेट मोर चॉइस ऑफ प्लेयर्स, पाकिस्तान यू गेट मोर चॉइस, बट सम टाइम अगर यू आर इफ यू आर अ स्पोर्टिंग कंट्री और देयर इज नो रियल प्रेशर फ्रॉम द मीडिया, न्यूजीलैंड में इतना मीडिया प्रेशर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया में फिर भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन इन न्यूजीलैंड देर इज नो रियल प्रेशर, सो वट दे डू इज उनका आप जब भी देखेंगे कि उनका एक बंच आता है एंड दे प्ले फॉर लॉन्ग टाइम लॉन्ग पीरियड बिकॉज दे डोंट रियली हैव टू मेनी पीपल कमिंग थ्रू द बैकअप। तो वकार भाई जब न्यूजीलैंड में थे तो केन विलियमसन के साथ बड़ी तफसीली बात हुई अजहर की हुई, तो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि ये एक ब्लेसिंग भी है हमारे लिए वो कि हमें ऑप्शंस कम हैं, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक हमें डिसएडवांटेज है, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हमें पता होता है कि हमारे पास इतने थोड़े प्लेयर हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं उन पर, फोकस करते हैं, उनको इनफ चांसेस देते हैं, उनको बैक करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस दी होती तो इधर उधर नहीं जाते और उस प्लेयर को इतना चांस मिलता है और वो फाइनली आप देखें प्लेयर बनाते हैं और उस वो खेलते खेलते विद एक्सपीरियंस एक्सपोजर उसको इतना बैक करते हैं कि वो स्टार्ट परफॉर्मिंग। अभी आप उनकी एग्जांपल्स देखें कितने प्लेयर उनके इसी तरह हैं कि जिनको बैक कर रहे हैं करते करते उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। टेस्ट में देख लें निकल्स जो है वो पहले कुछ भी नहीं, शुरू में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मिंग नाउ इज द मेन प्लेयर। और प्लस अगर आप देखें तो इनके दो तीन ऐसे प्लेयर हैं जो दुनिया में हर जगह लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, या जिसमें रॉस टेलर है ही इज मिसिंग आउट ऑन दिस टीम, आपके पास मोनरो हैं जो दुनिया में हर जगह खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, ही वॉज नंबर 3, लेकिन कॉनवे को दे थॉट कि कॉनवे इज़ अ बेटर चॉइस, दे पुट कॉनवे इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद ग्रैंड होम ही इज़ ऑल्सो मिसिंग अप इन दिस स्क्वाड, सो यू नो दे हैव पीपल, अभी फर्गसन अनफिट हो गया, मिलने जो था वो था, सो दे हैव अ वेरी गुड बैलेंस साइड, जिस तरह उन्होंने कहा दे नो देयर प्लेयर्स हाउ टू मेक दोज प्लेयर्स एंड हाउ टू टेक यू नो टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। आई हैव अ फीलिंग ये मैच जो है ये दुबई में है रिंग ऑफ फायर में, सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस मैच विल बी प्लेड ऑन द सेम पिच व्हाट वी सॉ यस्टरडे फ्रॉम बटलर, राइट, यू नो इट विल बी प्लेड ऑन द सेम पिच एंड आई थिंक इट विल प्ले रियली गुड, दैट पिच लुक रियली गुड। आई डाउट इंडिया इज प्लेइंग, दे विल ऑलवेज गेट अ फ्रेश पिच, दैट्स व्हाट आई डाउट, दैट इज स्टिल फ्रेश, दैट पिच इज स्टिल, दैट पिच इज स्टिल फ्रेश एंड दे विल बी हैप्पी टू प्ले ऑन अ यूज्ड पिच। या दे वुड बी, आई वुड बी इफ आई वाज इन इंडिया, बट हियर इज द थिंग, yesterday we didn't see too much of the dew factor in the second innings bowling ke baad time nahi mila na, time nahi mila, maine aapko kaha tha pehla match jo india ka dew wala hua they must have realized or the ICC must have realized ke jo dew hai that could be the advantage to the team batting second, so probably humne dekha ki jitne bhi matches abhi tak hue hain dew ka factor itna zyada jo hai wo abhi tak play mein nahi aaya, especially after the first one or two games, uske baad dew hasn't taken that much of the play. Okay folks, and with that we're going to take a break on the pavilion. Aap log dekh rahe hain sports and 10 sports, jab wapas aayenge to baat karenge mazid jo dono matches aaj aa rahe hain, namibia ka muqabla afghanistan aur india versus new zealand. Don't go away, keep watching, see you on the other side. वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज दो बड़े में मैचेस हैं, अफगानिस्तान बामुकाबला नामीबिया और हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड बामुकाबला इंडिया की।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर इंडिया के साथ वही प्रॉब्लम है जो इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान और इंडिया की थी। पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में डिफीट कभी भी नहीं किया था, वो चेंज हो गया। ऐसी ही सूरत हाल कुछ इंडिया की है न्यूजीलैंड के साथ। इंडिया इज नॉट डिफीटेड न्यूजीलैंड इन अ वर्ल्ड कप गेम। जरा ये स्टैट्स देखते हैं आईसीसी इवेंट्स के, आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म किया है। ये होना नहीं चाहिए चेंज। अच्छा, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, इंडिया लॉस्ट T20 वर्ल्ड कप जोहान्सबर्ग में, इंडिया लॉस्ट इन द T20 वर्ल्ड कप नागपुर में, इंडिया लॉस्ट इन द ODI वर्ल्ड कप इन मैनचेस्टर 2019 में, इंडिया लॉस्ट द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2021। ये और ये 2019 में मैनचेस्टर में सेमीफाइनल था, और ये ICC इवेंट्स हैं 15 साल के। तो सवाल ये बनता है वसीम कि क्या इंडिया पर उसी नौयत का बोझ होगा जो पाकिस्तान पर था बिफोर प्लेइंग इंडिया दिस वर्ल्ड कप? Probably not. I suppose, मैं तो अपना सोचता हूँ, जब मैं प्लेयर था तो मुझे फिक्र नहीं था पड़ता 15 साल पहले क्या हुआ है। आई डोंट इवन नो कि ICC, अब तो वो सोशल मीडिया आ गया, लड़के देखते हैं, दे गेट अपडेटेड। हमें तो एक अखबार होता था, वो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। अखबार वतन, हाँ अखबार वतन, या दैट ट्रू, वन ऑफ माय फेवरेट मैगजीन्स अखबार वतन। नहीं, वतन क्रिकेट का था ना भाई, सॉरी। व्हाई वुड यू रीड अखबार जहान? बिकॉज़ आपकी तस्वीरें आती थी अखबार जहान में, बड़ी अच्छी थी। वो खवातीन के लिए होता था बाय द वे, लेकिन उसमें भी आपकी तस्वीरें आती थी। पहला पेज देख, सॉरी भाई, सिर्फ पहला पेज देख। मैं अखबार जहान के कवर पे आए हुए वसीम, आपने नहीं देखा? मैं आपको वो तस्वीर निकाल के दिखाऊंगा। प्रोड्यूसर आपसे गुजारिश है, वो तस्वीर जरा इंटरनेट से निकाल के जरा। व्हाट आर यू ऑल अबाउट? वी टॉकिंग इंडिया है, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट, लेट्स गो बैक टू द गेम। सो आई डोंट थिंक सो, प्लेयरों को फर्क पड़ता है इतना, बट या न्यूजीलैंड इज अ डेंजरस साइड, और इंडिया को इतना पता होगा कि इनको हराना वॉक ओवर नहीं है। They really have to play out of their skin to win against New Zealand. एक चीज़ का पक्का पता है, New Zealand की fielding will be top notch. और दुबई की ground में अच्छी fielding बड़ी ज़रूरी है, because वहाँ पे थोड़ी बड़ी है ना शारजा से, so आपके जो दुक्के वगैरह होते हैं उनको वो रोकेंगे। और it'll be exciting game, I suppose. Pressure on both sides. दोनों अपना पहला मैच हारी हुई हैं। और दूसरा वसीम भाई, ये सारे जितने भी मैचेस अभी हमने दिखाए हैं जिनके रिजल्ट हैं, दे ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स। या यू नो, वन डे भी है उसमें, टेस्ट चैंपियनशिप भी है, जो लेकिन जो T20 वो लोग हारे हुए हैं वो बेसिकली बैक इन 2016 and 2017। सो आई डोंट थिंक दैट डज इट मैटर टू यू गाइस एज कोचेस के यार ये टीम से हम पिछले 20 साल में नहीं जीते, या इंडिया दा हुंदा सी बाकी नहीं। सो आई थिंक इंडिया वाला, चूंकि इट्स जस्ट टू मच, इट्स अ टॉक्ड अप गेम। मिसबाह कॉलिन मनरो, डू यू थिंक न्यूजीलैंड हैज मिस्ड अ ट्रिक देयर बाय नॉट हैविंग कॉलिन मनरो? आई मीन, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? आई डोंट नो कि क्या उनके वहाँ पे, क्या किस वजह से वो नहीं है, काफ़ी अरसे से नहीं है, मे बी सम अदर रीजंस, बट ओवरऑल मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ कि कम्बिनेशन वाइज जहाँ आप खेल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट कम्बिनेशन अगर आपका है तो मैचअप्स में अपोजिशन को काफ़ी मुश्किल होती है, और जिस किस्म का वो बैट्समैन है, फिर PSL में खेल रहे हैं, कंडीशंस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उसने दी हैं, उसको थोड़ा सा आइडिया है यहाँ का, बट Obviously, New Zealand knows के हमने कैसे जाना है, किसको कहाँ यूटिलाइज करना। आपने PSL का जिक्र किया, Guptill plays has played for you under your kind of he was there so physically. थोड़ा सा अगर New Zealand के टॉप ऑर्डर को देखा जाए, so you've got Guptill, you've got Mitchell, new inexperienced, यहाँ की कंडीशन से एक्सपीरियंस नहीं है। Guptill की परफॉर्मेंसेज कोई ज्यादा खास नहीं रही इस खत्ते में दुनिया के वाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट। दैट ओनली लीव्स विलियमसन बेसिकली, यू नो, विद द एक्सपीरियंस। आई मीन, दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव दिस गाय जिसने अभी बड़ा स्कोर किया है, क्या हां, कॉनवे इज देयर, यू नो, क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स दे और बात कर रहे थे कॉलिन मनरो की, अभी PSL में वो था ना, 600 रन किए उन्होंने। हाँ, नहीं वो था, तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड हाउ कम यू नॉट विद न्यूजीलैंड टीम, ही सेड आई हैव प्लेड, आई थिंक आई एम नॉट गोना गेट पिक्ड अप अगेन, दैट्स व्हाट ही सेड। बिकॉज़ ही सेड टू मी के मैंने भी सवाल किया कि क्यों नहीं खेल रहे, तो ही सेड के दिस इज के वी हैव गिवन यू इनफ चांसेस, सो वी आर नॉट थिंकिंग यू टू बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर सम टाइम, इफ यू फील इट लाइक तो हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी हम तुम्हें टीम का हिस्सा नहीं देख रहे। सो दे हैव गिवन हिम अ वेरी क्लियर मैसेज, उसके होने से फर्क जरूर पड़ता है विद हिज एक्सपीरियंस, मिडिल ऑर्डर नंबर 3 पे वो ओपन करा दो उसको, इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर। आई थिंक वो इस किस्म का ओपनर T20 क्रिकेट में स्पेशली, व्हाट डू यू थिंक वकार हैज गॉन डाउन देयर, दे हैव, इज देयर अ स्ट्रेटजी ऑफ द न्यूजीलैंड टीम कि उसमें वो स्ट्रेटजी में फिट नहीं आ रहा कॉलिन मनरो? वकार, दे हैव पॉलिसी, आई मीन दे जस्ट फील कि ओके
they see the player and they say certain times and they because World Cup is the ultimate. World Cup आप target करते हो चाहे वो किसी format का भी हो तो उसमें अगर आप वो देखते हैं कि जी अगर दो साल में या तीन साल में is he going to be there, is he not going to be there, how is form going to be, his fitness, ये सारी चीज़ें वो assess करते हैं. उसके बाद they keep bringing youngsters into the team. I feel Pakistan में भी थोड़ा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि you know you see जब आप वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्ड करते हैं तो यू स्टार्ट सर्चिंग मे बी टू इयर्स बिफोर द वर्ल्ड कप कम्स. अबे यार महीने बाद का नहीं पता होता, दो साल पहले. आई नो दैट्स, ये तो अलमिया है हमारे मुल्क का, लेकिन ये है कि दैट्स हाउ इट शुड बी. क्लियर मैसेज दे दिया कि यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट. और उसके बाद अगर हम कॉन्वे किया, इट्स क्लैरिटी, इट्स अ क्लैरिटी व्हिच दे हैव गिवन हिम एंड ही इज हैप्पी. ही सेज बिकॉज़ आई नो व्हाट आई हैव टू डू. कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन वाज देयर, कम्युनिकेशन समथिंग दैट वाहब कीप्स. कॉन्वे, द कॉन्वे की जो बात हम कर रहे हैं, कॉन्वे हैज रिसेंटली कम, ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक में स्कोर कर रहा होगा. अब जिस तरह उन्होंने आई प्रोबेबली रॉस टेलर को ड्रॉप किया इस कॉम्पिटिशन के लिए, अब ही वॉज अ पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड इन द रिसेंट गेम्स. आई थिंक जब हम खेले तो तब भी शायद आई थिंक ही वॉज देयर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. उन्हें पता था दे आर ब्रिंगिंग चैपमैन नाउ कि वो शायद नीचे से आ गया, और रॉस टेलर को जिसने रिप्लेस किया वो ग्रैंड फिलिप्स है, प्लस टिम सेफर्ड है जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है, बिकॉज दे नो कि अब ये लोग जो हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छी खेलते हैं T20 और प्रॉबेबली गेम को ज़्यादा बेहतर रीड करते हैं, और प्लस उनके पास ज़्यादा अच्छे शॉट्स हैं फॉर T20 टू पुट द अदर टीम इन प्रेशर. एक और प्लेयर भी था लेफ्ट हैंडर, यू नो द लिटिल चबी गाय, बड़ी जोर से हिट मारता था, जेसी राइडर. जेसी राइडर, he was another very very good player. Like he did a job on himself. He got drunk in Christchurch and banged his wrist into the glass, into the door, and obviously got into hospital. That was good 3-4 years ago, and then after that they never picked him. Discipline, do you think discipline, that was discipline? Yes, discipline? he had problems. Ji, he had that habit of drinking a lot. Okay, that's fine. I mean, but अगर personal जिंदगी में वो ये कर रहे हैं, that's their problem. But I think it's the New Zealand cricket board's. And he was a very talented player. Andrew Simon was one of those. Andrew Simon was one of those. Eventually, yeah, what a dangerous player Andrew Simon was. I met him, I think about 5-6 years ago. There was under 19 World Cup in Townsville. Townsville is in Queensland. Right. So I thought Karachi से Dubai, Dubai से Brisbane, 14 hours flight. आई थॉट क्वींसलैंड का किड्डा का बड्डा होएगा, छोटा यू नो छोटी सी फ्लाइट होगी. इट वाज 3.5 आवर्स फ्लाइट फ्रॉम ब्रिस्बेन टू टाउन्सविल. इट्स ऑन ग्रेट बैरियर रीफ, इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल लिटिल टाउन, इट्स मोस्टली आर्मी का टाउन है, एंड ही लिव्स देयर. एंड्रू साइमंड्स, आई मेट हिम एट 4 o'clock. आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ही केम आउट ऑफ अ पब ड्रंक एट 4. आई सेड साइमंड्स, आई सेड एंड्रू, इट्स 4 इन द आफ्टरनून. ही कुडंट अटर अ वर्ड. दैट इज व्हाई ही इज लिविंग देयर, बिकॉज़ he doesn't fit into big town. Yeah, and his hobbies are obviously fishing. He gets into fight also. Fishing. Oh, so he does fishing all day long. Great barrier reef, perfect. He could go out fishing all the time. Yeah, it's a beautiful town. It is. That Townsville, yeah. Well, Australia is beautiful. I think the coastline of Australia is one of the finest that we... Let's talk about the Indian fast bowlers and their spinners. Because in Pakistan's match, there was nothing happened to them this time. आज के मैच के लिए अगर वो फिर दूसरी इनिंग में उनको अगर बॉलिंग करनी पड़ जाए तो क्या सोच के वो उतरेंगे मैदान में, क्या उनकी प्लानिंग होगी इसके लिए, क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए? एंड मिस्बा, अनदर क्वेश्चन विद दिस क्वेश्चन इज कि डोंट यू थिंक दे आर रिलाइंग टू मच ऑन बुमराह? यस, एज अ फास्ट बॉलर. गुड पॉइंट. आई थिंक सो. अगर आप इंडिया को ओवरऑल देखें तो वो ऐसी टीम नहीं है कि जो इतना मतलब 150 और इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए. दे आर बेसिकली, दे रिलाय बेसिकली ऑन देयर बैटिंग और कोशिश करते हैं एक तो चेज करने की. पहले प्रेफर नहीं करते कि जी टारगेट सेट करना, और करेंगे तो उनका टारगेट यही होता है कि 180 या 190 करें हम मैक्सिमम रन ऑन द बोर्ड, और फिर हमारी बॉलिंग जो है वो आके उस तरीके से बॉलिंग करें. ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर भी था. आई थिंक थोड़ा बाहर रहे हैं, शामी भी बाहर रहे हैं वाइड बॉल क्रिकेट में काफ़ी अरसे के बाद. वो रेगुलर इस वर्ल्ड कप में उनको लेके आए. बुमराह ऑब्वियसली दे आर रिलाइंग विद न्यू बॉल, और फिर एंड के ओवर्स में भी बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं. जो सबसे मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी वो भुवनेश्वर कुमार पे होगी, क्योंकि नए बॉल से उस पर बहुत डिपेंड करते हैं. वो बॉल दोनों तरफ मूव करते हैं, अप फ्रंट विकटें लेते हैं, वो भी नहीं हुआ.
एंड देन स्पिनर्स वो भी उस तरह इफेक्टिव नहीं हुए बिकॉज ऑफ द ड्यू या जो भी था वो कोई इम्पेक्ट नहीं डाल सके. तो आई थिंक दे विल बी थिंकिंग कि हमने किस तरीके से आगे चलना है. ही इज नो डाउट ही इज अ वेरी गुड बॉलर बुमराह, आई मीन भुवनेश्वर, बट ऑब्वियसली सेकेंड बॉलिंग में स्विंग नहीं हुआ लाइक मिसबा सेड कि ही स्विंग्स बोथ वेज एंड ही इज गॉट कंट्रोल. सो अगर वो ना चले ऊपर से, और आई थिंक अब आपके ख्याल में, दोनों के ख्याल में विकी, ये वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे या अश्विन को खिलाएंगे? आई हैव अ फीलिंग के चक्रवर्ती को खिलाएंगे कि ताकि वो चक्कर दे सके, ताकि वो न्यूजीलैंड में चक्कर दे सके. आई थिंक मुझे लगता है कि नोइंग इंडिया, मुझे लगता है नोइंग इंडिया दे माइट बी प्लेइंग विद द सेम टीम. यप, जो पाकिस्तान को जो यू नो इज अ वंडरफुल बॉलर, डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है ना, इज नया है अभी आईपीएल में, बहुत अच्छी बॉलिंग की है इसने. सो आई डोंट थिंक एक मैच से उसको इतना, यस प्रेशर बिल्ड ज़रूर हुआ है विराट पे कि यू नो इसको खिलाओ या ना खिलाओ, अश्विन को लेके आओ, ब्रिंग सम एक्सपीरियंस इनटू प्ले. बट भुवनेश्वर कुमार भी पेस इज डाउन. आई फील दैट आई थिंक सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो है मोहम्मद शामी. ये नहीं कि उसने परफॉर्मेंस बुरा किया है, इन्होंने उसको इतना अंडर प्रेशर कर दिया है ये पिछले एक हफ्ते में, मीडिया ने, ओवरऑल सोशल मीडिया ने. ही डिडंट बॉल बैडली, अगर आप देखेंगे तो इसकी हिज लेंथ्स वर रियली गुड. इज द पाकिस्तानी बैटर्स हु प्लेड एक्सट्रीमली वेल. सी इज नथिंग रॉन्ग विद हिज बॉलिंग. द ओनली इशू ही इज हैविंग इज द लास्ट थ्री गेम्स ही वेंट फॉर फ्यू रन्स. ही ऑलमोस्ट वेंट 9 एंड ओवर एवरी टाइम, सो इज एवरेजिंग 53. दो विकेट मिले हैं. मेरा ख्याल है कि शामी इज द बेस्ट चॉइस टू हैव इन यूएई कंडीशंस. ही इज समबडी हु रिवर्सेस द बॉल रियली वेल एंड दैट्स व्हाई ही इज द पार्ट ऑफ इट विद बुमराह. अगर हम दूसरे बॉल करता है बैक ऑफ लेंथ, हैवी बॉल्स करता है बैक ऑफ द लेंथ करता है, उसकी लेंथ बहुत अच्छी है. ही ऑलवेज ट्रबल्स विद द टू द बैट्समैन. प्लस जब डेप्थ में बॉलिंग करनी होती है ही यूजेस हिज यॉर्कर्स रियली वेल. ही हैज दैट स्लोअर वन. So I think Shami is one of the best choices they had and that's why they have him in the team as well. Jahan tak rahi baat, hum baat kar rahe hain Bhuvneshwar ki, he has been very much effective for India in the last few years. You say ke naye ball se wo aata hai, humne Australia mein bhi usko dekha hai, dusri jagah pe bhi dekha hai jidhar usko swing milta hai. There he capitalized really well. Was in conditions thi, pressure tha, runs on the board were not that enough, I would say. So usmein ek aadhe match mein aisa ho sakta hai, but I personally think ke दे शुड प्ले अश्विन. वो इस वजह से क्योंकि अश्विन गिव दम एन एक्स्ट्रा एज इन द बैटिंग एज वेल. अश्विन इज समबडी हु इज अ प्रॉपर बैट्समैन. किसकी जगह पे खेलेगा? चक्रवेदी की जगह. वेयर ही कैन कम्स इन बिकॉज दे आर मोस्टली बोथ आर सेम काइंड ऑफ अ बॉलर. ऐसी टीम का अगर आपके छह बैट्समैन ने किया तो आठवें ने क्या करना आके. लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि वसीम भाई दे आर स्ट्रगलिंग अ बिट एज वेल ना. पांड्या जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान इनको ये हो रहा है कि पांड्या इज समबडी एल्स जो आके 140 प्लस की पेस पे बॉलिंग करता है. Yeah. He utilizes his bouncers really but well. But he's not slower bowling well. I have recently seen something on Twitter saying that he's back to his bowling again. Because right. Pandya, you know, when we talk about the finishers. Chalo, another question for both fast bowlers here. Jaise Pandya, for instance, you know, bowling nahi ki usne match mein arse se. Injury se aa raha hai. So straight away itne bade match mein aake rhythm aayega aapka, aap pe double pressure nahi hoga? Dekhe, he's very clever bowler. Maine usko Australia mein dekha tha, jo Australia mein ye series jeete hain T20 against Australia India. Usme bhi he hasn't bowled, he has some shoulder issues. Lekin jis tarah wo aaya aur Sydney ki wicket pe usne aake apne slower ones ko utilize kiya, he made a massive difference. He was the only one who was not going for the runs. Okay, very good point, thing there. Ravichand Ashwin has been with the team. इंग्लैंड के टूर पे भी उसको लेके गए, नहीं खिलाया. अभी भी उसको जो है उन्होंने रखा हुआ है मगर खिला नहीं रहे. क्या है, कप्तान नहीं चाहते उनको प्लेइंग 11 के अंदर? या ही इज नॉट फिटिंग इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड इफ ही इज नॉट देन व्हाई इज ही देयर विद द स्क्वाड? उसकी जगह किसी फास्ट बॉलर को लेकर चले जाते? देखिए, ये बात नहीं आप कर सकते. जितना वो स्ट्रॉन्ग कप्तान है, अगर वो ना चाहता कि उसको नहीं खिलाना मैंने, तो वो स्क्वाड में भी ना होता. तो कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ इंडिया ने. और यू माइट सी हिम टुडे प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि वो थोड़ा सा मिस्ट्री बॉलर है. वो जो ये वाला बॉल भी करते हैं, आर्म बॉल बड़ा अच्छा करता है, स्पिन करता है, लेफ्ट हैंडर्स भी हैं उनके पास बीच में मिडल ऑर्डर में. दे माइट जस्ट ब्रिंग हिम. राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट साइड ऑफ विकेट का वेट कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी स्पिन पिच आ जाए, कोई ऐसी पिच आ जाए, या मे बी
जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हो सकता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ इनके अगेंस्ट वो खेलें। कंडीशंस भी दुबई की हैं, दो फास्ट बॉलर के साथ तो आप नहीं जा सकते। इफ इंडिया वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस इन देयर साइड, पांड्या हैज गॉट अ बॉल, दे कैन ड्रॉप वन फास्ट बॉलर, एक इसको खिला दें, दो स्पिनर लाजमी है, इसको खिलाएं। हाँ, तीसरा ये पेसर होना चाहिए, ये तीसरा अगर पेसर को ड्रॉप करके या शामी को, आई डोंट नो, लेकिन अगर पांड्या बॉल करता है तो फिर आई फील कि इंडिया इज प्रोबब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप। आई थिंक दे आर आल्सो कंसीडरिंग, दे आर आल्सो कंसीडरिंग ठाकुर इंसटेड ऑफ पांड्या टुडे, देयर इज आल्सो दैट न्यूज़ दैट इज सर्कुलेटिंग। तो उसको फिर हम कह सकेंगे मैच के बाद बैटिंग तो गया, मेरे ख्याल में बैटिंग और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। जो डेटा कहता है ना वो ये कि ठाकुर का रिकॉर्ड अगेंस्ट केन विलियमसन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मे बी यू नेवर नो। ये भी तो हो सकता है कि केन विलियमसन को वो बॉलिंग ही ना करे जब वो है, पार्टनरशिप ही ना टूटे, ओपनिंग पार्टनरशिप, सो दैट्स दैट। ये स्टैट्स जरूर हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव द पांड्या इज अ फिनिशर। व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिनिशर, जो पांड्या कर सकता है इंडिया की टीम में एज अ फिनिशर, वो इनकी जितनी भी पांड्या इज ओनली यूजफुल लाइक यू सेड अ फिनिशर इन लास्ट 4 to 5 ओवर्स एट द मोस्ट। If he comes at, if he comes out to bat at number 11, oh, I mean, over 11 में आए या 12 में आए, he is kind of a player. वो then he gets lost, am I right? Because जी भाई उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उससे पहले ना, पहले ना पाकिस्तान देखा, नहीं पाकिस्तान के against पड़ी ना तो result भी आपने देख लिया, लेकिन उससे पहले उसकी पांड्या की ऐसा चुनको आखरी पांच से पहले पाकिस्तान नहीं तो वही पड़ी तो बेशक अगर वो 4-5 ओवर भी विकेट्स पे रहता है और आउट हो जाता है, बट ही विल गिव व्हाट द टीम वांटेड हिम। दूसरा वहां दे हैव नो बॉडी के उस जस्ट जितना इंपैक्ट डाल सके नीचे आके, उनके स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको उस नंबर पे आके रिप्लेस करे। ऑस्ट्रेलिया में उसने उनको मैचेस जो सीरीज जितवाई अगर आप देखें, एक साइड पैक थी, बट ही वाज द वन हु मेड द मेजर डिफरेंस टू विन द सीरीज फॉर इंडिया। आई थिंक अनदर मेरे ख्याल में पॉइंट है, आई डोंट नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, जडेजा की भी जो परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, एवरेज, दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच दे नीड टू जस्ट थिंक अबाउट। मे बी जडेजा की जगह हो सकता है अश्विन को भी सोच सकते हैं, बट जडेजा इज उर्दू में कहते हैं अहम सतून है उस टीम का, डोंट लाफ एट मैच विनर बिस्वा भाई, उसने बहुत से मैचेस क्रूशियल टाइम पे बहुत सी इनिंग्स बॉलिंग में बैटिंग में फील्डिंग में मेड अ मेजर डिफरेंस। जहां जडेजा इंडिया की टीम का अहम सतून है, वहां ब्रेक जो है वो एक ट्रांसमिशन का बहुत अहम सतून होती है। आप देख रहे हैं द पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, मिलते हैं इस वक्त के बाद। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, एंड विद मी इन द पवेलियन पाकिस्तानी लेजेंड्स सुपरस्टार्स वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाह-उल हक एंड वहाब रियाज। बात हो रही थी इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, जो कि दुबई से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होगा, ये दूसरा मैच होगा आज का। उससे पहले अबू धाबी से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पहला मैच, जो नामीबिया बामुकाबला अफगानिस्तान है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू और करते हैं। ये कुछ और वकार आप ऐड करना चाह रहे थे इंडिया की टीम के लिए, कुछ चेंजेस के बारे में आप बात करना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पांड्या बॉल करता है ना, जो कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो सोशल मीडिया पे देखा है कि वो अब नेट में बॉलिंग कर रहा था, सो दे प्रॉब्ली थिंकिंग के यू नो दे के उसको बॉल कराने का, क्योंकि हैवीली डिपेंड करते हैं वो लोग ऊपर की बैटिंग, अगर उनका ऊपर से जब 2-3 गिर जाती हैं अगर, तो फिर दे बिकम वेरी एवरेज साइड, जो आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट है उनको समझ ही नहीं आ रही। यस, पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल्ड एक्सट्रीमली वेल, हमने प्रेशर ही नहीं रिलीज होने दिया, और अगर इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसे ही हालात रहे कि जो ऊपर से 2-3 गिरी, तो इनको प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि एक मैच हारे हुए हैं, दे कैन गेट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो आई हैव अ फीलिंग कि अगर पांड्या बॉल करता है तो दे विल ब्रिंग किशन, व्हाट्स हिज फुल नेम, किशन, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, सो दे विल प्रोबब्ली लुक टू add another batsman. Wasim,
यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस ब्रॉडकास्ट का भी एंड दी कॉमर्स साइड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज एक इसकी पूरी कमर्शियल साइड है क्रिकेट की बहुत बड़ी. अगर आज ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि इंडिया को नजर आता है कि दिस इज द एंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर देम, हाउ डज दैट इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ वर्ल्ड कप? बिकॉज अरबों रुपए के इश्तेहार चल रहे होते हैं भारत के अंदर और दुनिया भर में. हाउ डज दैट इम्पैक्ट क्रिकेट? ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फाइनेंसिस ऑफ ICC और बाकी टीमें जिनको वर्ल्ड कप के बाद पैसे मिल रहे हैं अगर इंडिया गेट्स आउट ऑफ द टूर्नामेंट. बिकॉज सारे अगर आप देखें ICC के मेन स्पॉन्सर्स, नॉट जस्ट दिस वर्ल्ड कप, फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो डेकेड एंड अ हाफ, सारे जो मेन स्पॉन्सर्स हैं मोस्टली फ्रॉम इंडिया एंड दे पे बिग बक्स. एंड ऑब्वियसली स्टार हैव बॉट द राइट्स एज वेल, दे ऑल्सो पे बिग बक्स. अगर इंडिया गेट्स आउट सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी आई सपोज, इंडिया में तो स्पेशली. आई थिंक उनका माल बिक चुका है ऑलरेडी, वर्ल्ड कप का तो माल बिक चुका है. नहीं वो तो बिक चुका है, बट आई सपोज जनरली आई बॉल्स ना कि मैच देखें, टीम को सपोर्ट करें. सो इसको मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, आपने ये बात की वकार जी, बहुत सारे जो एडवर्टाइजिंग मिनट्स होते हैं, प्रिंट मीडिया होता है, आउटडोर होता है, वो एडवांस में ऑलरेडी प्री सोल्ड होता है किसी भी बड़े इवेंट का. लेकिन फिर भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो लास्ट मिनट अपने आप को रिकैलिब्रेट करते हैं कि यार एक इश्तेहार बना लेते हैं फॉरन, जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो लेट्स जॉइन इन, जिस तरह आपके साथ हो रहा है इस वक्त, ओवरलोडेड विद द एड्स दैट आर कमिंग इन, बट बिकॉज द टीम इज परफॉर्मिंग रियली वेल, सो आई थिंक देयर इज एन इंपैक्ट ऑन दैट एज वेल. अगर मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे किसी ने बताया था ब्रॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने कहा जब बांग्लादेश में हो रहा था T20 का वर्ल्ड कप, तो वहां पर हुआ ये कि जब इंडिया हार गई थी और आउट हो गई थी टूर्नामेंट से, तो जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट था जो डिप्लॉयड था वो आधा हो गया था. उन्होंने कहा यार ये वाली मशीन भी निकाल दो, ये वाली भी निकाल दो, ये भी निकाल दो. और इनको जरा एक्सप्लेन कर फखर आप कर सकते हैं ऑब्वियसली प्रॉपरली कि हाउ एक्सपेंसिव इज दैट इक्विपमेंट इवन टू रेंट. Absolutely. When you talk about flying fox, Australia में कहते हैं spider cam. When you talk about rabbit, वो जो नीचे कैमरा चलता है, उनका डेली और उनके जो बंदे स्पेशली जो वो कैमरे हैंडल करते हैं, they fly in from wherever they are based. Spider cam हो गया, hawkeye हो गया, sneakometer हो गया. ये तमाम जो टेक्नोलॉजीज आप देखते हैं, एक तो इस पे समझने की जरूरत है कि इनके ऊपर बैन अल-अक़वामी पेटेंट्स हैं इन कंपनियों के. पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई और इस टेक्नोलॉजी की नकल करके इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई नहीं कर सकता. यानी कि आपने देख लिया यार ये स्पाई कैम है, हम भी बना लेते हैं अपना. आप नहीं बना सकते, कानूनी तौर पे आप नहीं बना सकते. आप बना के घर पे इस्तेमाल कर लें, कमर्शियली आप नहीं ला सकते. सो इट हैज टू बी समथिंग एल्स. अगर किसी ने स्पाई कैम की तरह की कोई चीज बनानी है, सो अगर उनके पेटेंट की डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर पेटेंट डॉक्यूमेंट कहता है कि ये चार रोब्स के ऊपर एक कैमरा गिम्बल के साथ मूव करेगा ओवर ए स्पोर्टिंग इवेंट और एनी बिग इवेंट, और उसका उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है, तो उसको अब आप नहीं छेड़ सकते. ठीक है, आप उसके बाद जो है कि आप एक तार वाला कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका पेटेंट डॉक्यूमेंट कहता है कि चार तारों पे, एक तार पे, दो तार पे या 20 तारों पे, रिगार्डलेस एनी वायर टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स इनसाइड अ वेन्यू, उसका पेटेंट उनको अगर मिल गया, क्योंकि पेटेंट हासिल करना भी बहुत एक टीडियस प्रोसेस होता है. अगर वो मिल जाए पेटेंट एक दफा, तो फिर यू आर प्रोटेक्टेड. अगर आप फर्ज करें ICC या कोई और इदारा किसी और टेक्नोलॉजी को जो इस तरह सिमिलर है डिप्लॉय करता है, तो एक मिनट में जो है वो जाकर उनके खिलाफ कोर्ट में स्टे ले सकते हैं या पीनलाइज कर सकते हैं कि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी. इमेजिन Hawkeye इज ओनली वन कंपनी एंड दे आर ऑल ओवर इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, राइट? सो दे गॉट अ पेटेंट ऑन दैट टेक्नोलॉजी, दैट सॉफ्टवेयर. सो इसलिए तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि बहुत सारे लोग समझते हैं क्रिकेट हो रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रहे हम, मतलब क्या ये क्या राइट्स का, जो राइट्स का मतलब होता है हकूक, ये ब्रॉडकास्ट है, इसके हकूक है कि इसको आप किस इलाके में, एरिया में, शहर में, मुल्क में ऑनलाइन कर ऑनलाइन किस सकते, पे कहां कर सकते हैं, नहीं कर सकते. एक सवाल हमारे आता है, इवन दी स्टंप्स है ना इसमें, आप वो भी पेटेंट है कि स्टंप के अंदर जो है पेटेंट लगा हुआ उसके ऊपर. एक और चीज में बहुत सारे आप दोस्तों का सवाल आता है आज पवेलियन में कि जी हम जो यूट्यूब पे हमारा जब ये शो लगाया जाता है, तो उसमें जो टीवी पे वो देखते हैं वर्जन, उसमें हम ये आपको दिखा रहे होते हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, किस प्लेयर ने क्या खेला है. उन्होंने कहा जी लेकिन जब वो हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें स्टिल्स लगी होती हैं. अगेन ये राइट्स का इशू है, क्योंकि वो ICC के विजुअल्स हैं, हमारे पास उसके जो हकूक हैं, राइट्स हैं ब्रॉडकास्ट के, वो टेलीविजन के ऊपर करने के हैं, डिजिटल पे नहीं है. ये शो जो है इसके राइट्स हमारे अपने हैं, ए स्पोर्ट्स के हैं, ये हम YouTube पे डाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में जो विजुअल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ICC के राइट्स हैं, वो हम सिर्फ टीवी के लिए हमारे पास हकूक है.
कहने को लोग जो हैं वो कभी कभार कुछ लोग जहालत में बातें कर देते हैं, वो एयरली कौन सी बड़ी बात है, हम तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, हम वहाँ पे भी देख रहे हैं। गैर कानूनी तौर पे आप जरूर देख सकते हैं कि आपने कोई ऐसा जैसे कहते हैं VPN वगैरह इस्तेमाल करके आप वो कर रहे हैं। कानूनी तौर पे जो है वह और कानूनी तौर पे हमें पूरे तकाजे पूरे करने होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली, बट नॉर्थ ऑफ 20 मिलियन, रादर नॉर्थ ऑफ 30 मिलियन डॉलर्स के ये राइट्स हैं इस वक्त हमारे वर्ल्ड कप के, 30 मिलियन डॉलर के राइट्स हैं जो कानूनी तौर पे पैसे दिए गए हैं ताकि हम ये दिखा सकें यहाँ पे। तो देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग ऑन द कॉमर्स साइड ऑफ, एंड इवन फॉर दिस शो वी हैव अ मैसिव टीम देयर इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द कैमरामैन, ऑल दीज गाइज आर हियर ऑल डे लॉन्ग, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और ये चैनल दो हफ्ते में खड़ा करना, आई सपोज पूरी टीम को जाता है, ये सारे यहाँ जो पीछे बैठे हैं, जे जे है, सलमान है, नवीद, ऑल दीज गाइज really worked hard. And Fakhar always keep them under pressure, keep them on their toes. So because we want to look good. Because we want to make sure that we are a fantastic broadcast. Yes. The idea is to make sure that we come out to the best. और हम अपने देखने वालों को बेहतरीन चीजें दे सकें। मैंने इतना होमवर्क तो जिंदगी में पढ़ते हुए नहीं किया जितना मैंने इस वर्ल्ड कप में कर लिया। और ये कुछ कागज हैं, अगर ये कागजों की तादाद और फाइलों की तादाद आप लोगों को बताई जाए कि जो रीडिंग मटेरियल आता है ना, एक तो जो वो है आप देखते हैं और फिर ये सारा ये जो फाइलें हैं, ये वाली जो फाइलें, ये सारा रीडिंग मटेरियल हमें डेली बेसिस पे दिया जाता है। वो जो इसने एक दफा नहीं पढ़ा इतना सारा रीडिंग मटेरियल है, ये दिखाने के दांत, ये सिर्फ दिखाने के दांत थे, काटने के कुछ और होते हैं। All right, let's talk about the other game in hand because बहुत जबरदस्त मुकाबला है। या लेकिन मेरे ख्याल है पहले उसे वक्फा ले लें ताकि momentum जो है उसका फिर बनाया जाए। Yes. दोस्तों लेते हैं एक वक्फा, right here on the Pavilion, we'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from the United Arab Emirates. मेरे साथ Pavilion में मौजूद Pakistani legends, superstars, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Break पे जाने से पहले हम India और New Zealand के मैच के बारे में बात कर रहे थे, वो आप देखेंगे आज शाम को from Dubai International Cricket Stadium, the Ring of Fire. बड़ा ही crucial मैच है, दोनों टीमें जीतना चाहती हैं क्योंकि दोनों टीमें 0 points के साथ इस वक्त हमारे पूल में मौजूद हैं। आज हमारे पूल का पूल टू जो जिसमें पाकिस्तान है उसका दूसरा मैच है। सूरत हाल अब इस तरीके से हो गई है कि ये एक तरीके की छोटी सी ट्राई सीरीज बन गई है बिटवीन न्यूजीलैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑलरेडी हैज अ विन अंडर देम, नाउ अफगानिस्तान क्लैशेस विद नामीबिया टुडे। अफगानिस्तान नामीबिया के दरमियान आज तक किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ईच अदर, और ये मैच जो है ये अबू धाबी में है। नामीबिया हैज ए ग्रेट स्टोरी, दे हैव कम आउट ऑफ associate team qualifying, yeah. reaching here, इधर points table पे नजर डाल लेते हैं वसीम before हम इस मैच के बारे में। अब ये देखिए आप, अफगानिस्तान ने दो मैच खेले, एक जीता है एक हारा है, दो points के साथ है second position में group 2 के अंदर super 12 के। नामीबिया तीसरी position में है, यहाँ पर एक मैच खेला है और एक मैच जीता है और दो points के साथ है। नीचे टाकरा जो है वो न्यूजीलैंड इंडिया का, स्कॉटलैंड इज प्रीटी मच आउट ऑफ द रेस इन दिस एट दिस पॉइंट, बट न्यूजीलैंड एंड इंडिया are now it's a three-way battle, Afghanistan, New Zealand, India, because Pakistan to more or less is through to the semi-finals, so that makes it a very interesting contest. Ab Afghanistan ki aaj puri koshish hogi ke get this one in the bag and then they're off to a flyer, aur agar Afghanistan jeet jata hai main to sham ko aur zyada pressure badh jayega New Zealand aur India ke upar. Yeah, absolutely. Namibia now, great story for them. Skip. A fairy tale. Yep. कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वर्ल्ड कप के पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है, स्कॉटलैंड से जीते हैं जो सारे मैच जीत के आ रहा है, यू नो इन क्वालिफायर, सो दैट्स अ बिग डील, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नामीबिया। ऑफ कोर्स वीसे ने उनको एक आधा मैच जिताया, वेरी डेंजरस प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स देयर बॉलिंग में ट्रम्पलमैन एंड फ्राइलिंग गेटिंग विकेट्स ऑलमोस्ट इन एवरी गेम, बट इट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर नामीबियाज़ टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान। बड़े डेंजरस हैं वो, हमने देखा है उनके स्पिनर्स का तो हम बड़े अरसे से बोल रहे हैं, दोनों स्पिनर्स दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में आते हैं इस फॉर्मेट में, और बस एज फॉर एज देयर मिडल ऑर्डर जस्ट सेटल्स डाउन अ बिट, यू नो तरीके से खेलें तो वो आराम से जीत सकते हैं नामीबिया से। ओके, मेरे ख्याल में नामीबिया की बात कर रहे हैं, पिछले मैच में इनके जो प्लेयर हैं जे जे स्मिथ, इन्होंने 32 रन किए थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में, आइए सुनते हैं। राइट, हु कीप्स यू द हैप्पीएस्ट इन द ड्रेसिंग रूम, इट वॉज द कोच, नाइस कॉम्प्लीमेंट्स देयर फ्रॉम जे जे स्मिथ, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं ये मिसबा जे जे स्मिथ, लास्ट मैच में भी आपने देखा बाउंड्रीज भी अच्छी करते हैं, बड़ा कूल एंड कंपोज तरीके से, अच्छा स्टांस है इनका बैटिंग का।
जी बिल्कुल, कंट्रीब्यूशंस बड़ी ज़बरदस्त रही हैं इनकी पिछले मैचों में. आई थिंक दे आर डिपेंडिंग हैवीली ऑन हिम. इन फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है. तो आई थिंक जो भी बैट्समैन किसी भी टूर्नामेंट में रन्स कर रहा होता है, देखें आप ऑल अराउंड द ग्राउंड वो स्कोर्स कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये अच्छा करना चाहते हैं. ओवरऑल बिग टेस्ट इनके लिए, डिफरेंट बिल्कुल सॉर्ट ऑफ बॉलिंग अटैक उसको खेलने जा रहे हैं. पर थोड़ा सा ये है कि अबू धाबी में उस तरह शायद उतना स्पिन ना हो, उसकी वजह से कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं उनके अगेंस्ट. जैसे वसीम भाई ने कहा, आई थिंक अफगानिस्तान इज़ प्लेइंग रियली वेल, बैलेंस टीम है हर कंडीशन के हिसाब से. सो इट्स अ टफ टास्क फॉर आई रिमेंबर मैंने टूर्नामेंट के शुरू में भी कहा था कि अफगानिस्तान की कोई प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी इनकी फास्ट बॉलिंग की. दे आर ऑल यू नो स्लो काइंड ऑफ मीडियम पेसेस, नोबडी इज क्विक एंड शार्प एंड विद एक्स्ट्रा बाउंस. वी हैव सीन अगेंस्ट पाकिस्तान, एक ही ओवर में काम तमाम, जन्नत भाई को पड़ी चार छक्के. बट या दैट विल बी आई थिंक द चंक इन द आर्मर किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ. आई थिंक वसीम भाई, अगर इनको इस तरह जाना था तो मुझे लगता है कि जैसे आप दूसरी बाहर की टीमों से खेलते हैं जो नॉन एशियन टीम्स हैं, इनके पास बड़े अच्छे चाइनामैन बॉलर्स थे, दे शुड हैव वन मोर, ताकि ये मुझे अफगानिस्तान ताकि ये नीचे, इनकी डेथ बॉलिंग उस तरह नहीं है, किसी एक राशिद या मुजीब को ये एंड के ओवर्स में 18वें 19वें 20वें ओवर में एक फास्ट बॉलर के साथ इनको यूज़ कर सकते. ये जरा अफगानिस्तान के सीमर्स स्पिनर्स का जो है वो कंपैरिजन देखते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ग्राफ लेकर आते हैं. ये सूरत हाल है दोस्तों, अभी तक अफगानिस्तान का इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर सीमर्स ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं, और ज़रा वो एवरेज देखें उनकी, एंड देन लुक एट द स्पिनर्स. देखिए ये अंडरस्टैंडेबल है, उनके पास द वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स हैं जो दुनिया में हर जगह खेल रहे हैं. इवन के जो सीमर नवीन है वो भी ऑलमोस्ट हर जगह, हर दूसरी लीग में ही इज़ द पार्ट ऑफ इट. बट बात वही आ गई जिस तरह वसीम भाई कह रहे हैं कि दे डोंट हैव समबडी एल्स. नवीन थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो हमने उसका एक्सपीरियंस देखा, द वे ही बोल्ड दैट 18th ओवर, दैट वाज रिकॉर्ड, वो बहुत अच्छा था. बट जहाँ तक रहा कि जन्नत की बात या उनकी जो बेंच पे हामिद बैठे हुए हैं उनकी बात, वो दे आर इनएक्सपीरियंस, प्लस दे आर नॉट दैट मच स्किलफुल. सो यू नो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम को कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है. यू कैन ऑल्सो से कि दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद द फोर बॉलर्स और फिफ्थ वन इज पार्ट टाइम, यू कुड से वेल ही इज नॉट दो, बट द अदर टीम्स टेक इट लाइक दैट. और इसी वजह से देखा वो अदर टीम उन्हीं दो बॉलर्स को अटैक करेंगी ना, दो स्पिनर्स को देख के खेलेंगे, बाकी तीनों पे अटैक. और देखिए वो मिडल में आप फिर भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एंड पे इनके पास सिर्फ एक नवीन उल हक है, एक बॉलर है, दूसरा बॉलर इनके पास होना चाहिए. चलें चल के अबू धाबी नजर डालते हैं पिच पे और मौसम के हालात के ऊपर, देखते हैं कि किस नौयत की आज पिच खेलेगी. इट्स ओवर फॉर द पिच एंड वेदर रिपोर्ट. देयर यू हैव इट, दैट्स द पिच, योर फेवरेट पार्ट. क्या बट पिच का तो बताया नहीं था. हाँ, इसीलिए हमारा ड्रोन मौजूद है. ड्रोन, ये जरा ड्रोन शॉट दिखाएं हम अपनी, अपना हमारा अपना ड्रोन जो है वो ये रही जनाब पिच. सारी उम्र आपने वहाँ खेला है, बताइए थोड़ा. मेरे ख्याल में थोड़ा इस पिच को अगर आप देखें तो उतनी आपको घास नजर नहीं आएगी जैसे पहले पिचेस की थी. थोड़ा मेरे ख्याल में अच्छा बैटिंग पिच लग रहा है, और अफगानिस्तान आई थिंक उस अफगानिस्तान को सूट करेगा यह पिच, क्योंकि आप बीच में पैचेस देखें ग्रास के बगैर हैं, स्पेशली जब आप विकेट के करीब जाएंगे वो एरियाज जहां पे राशिद खान या मुजीब बॉल लैंड करेगा. बल्ले पे गेंद आएगा मज़ेदार इस पे, स्पेशली इफ यू बैटिंग फर्स्ट टाइम मैच है तो स्लोनेस रहती है यहां पे. सेकंड मैच जब होता है अंडर लाइट तो ज़्यादा बेहतर आता है, तो वो जो स्लो पिच का एक फैक्टर है वो रहेगा, स्लो पिच का फैक्टर रहेगा. इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा वक्फा ऑन द पवेलियन. विल सी ऑन द अदर साइड. कीप वॉचिंग ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वेलकम बैक टू द पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. हमारी खसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बराह रास्त मुतहदा अरब अमारात से. और पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज. ब्रेक में जाने से पहले आप लोगों ने पिच और वेदर कंडीशन देखी अबू धाबी में, जहां पर पहला मैच होगा नामीबिया का मुकाबला अफगानिस्तान. और इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद, आइए सुनते हैं. जी शहजाद वहाँ पर मौजूद. और अब से कुछ लम्हा पहले ये खबर आई है कि असगर अफगन जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है.
और शहजाद वहाँ बता रहे थे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वकार शहजाद, आई रियली लाइक हिम. मेरा सबको ही अच्छे लगते हैं. हाँ, बहुत एक जो है ना, इट्स लाइक अ लिटिल क्यूट टेडी बेयर. यस, एब्सोल्युटली बिग टेडी बेयर, बिग टेडी, नॉट लिटिल टेडी बेयर, क्यूट टेडी बेयर. मुझे ऐसे क्रिकेटर्स वैसे ही अच्छे लगते हैं जो इस तरह की फिटनेस में हो. आई लव द एडवाइस ही गिव इट टू असगर अखवान, कम ऑन मैन, व्हाट आर यू डूइंग मैन, कम बैक मैन, वी लव इट, वी नीड यू. दैट्स अबो, बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये भी की कि हम यहाँ बहुत क्रिकेट खेलते हैं यूएई में, जो हम इन कंडीशन से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और आज वाजे तौर पे उनको एडवांटेज जो है वो नजर आएगा. बट आई लव द वे ही प्लेज, इज व्हाट अ बिग हार्ट शहजाद, इज अ डेंजरस प्लेयर गाइस. आई हैव सीन हिम बैट, ऑब्वियसली यू नो स्ट्रांग है बड़ा. क्यों मिसबा, यू मस्ट हैव सीन हिम अ लॉट. आई स्पेशली वो जिस तरीके से अटैक करता है, बड़े शॉट खेलता है, अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेलता है, और बड़ा क्लियर है वो अपने रोल के बारे में कि 6 ओवर में आके अटैक करना है, छक्के ही मारने हैं. मुझे याद है अभी तक पहला मैच हम सिंगल ले सकता है या वो कीन है सिंगल के लिए. मुझे याद है पहला मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम शारजा में खेल रहे थे, सईद अजमल उस टाइम पीक पे था, सईद अजमल बॉल करने आया, उसको पहले ही बॉल सईद ने किया, इसने रिवर्स मारी है उसको और सड़क पे बॉल गया. अब ओवरऑल शॉक थे यार, ये क्या हुआ, और सईद कम से कम 1 मिनट यूं खड़ा रहा. सईद ने कहा नहीं, आई एम साइंस, योर साइंस. सईद ने इसको आगे आया तो आके सईद ने बड़ा यूं देख के कहा, यार कम से कम तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास नहीं है तो किसी दूसरे के एहसास का. लव सईद अजमल, सीधा मार ले मुझे, ये किधर तूने मतलब रिवर्स में इतनी बड़ी मार दिया ग्राउंड. दैट मेक्स ही इज वेरी एक्साइटिंग प्लेयर. क्वाइट अ फ्यू कैरेक्टर्स इन दैट अफगानिस्तान कैंप. या दे They're becoming a very good side. I mean, इनके जो youngsters हैं, I wasn't expecting to be honest, कि youngsters इस तरह का pressure handle कर सकेंगे. पाकिस्तान के against भी रहमानुल्लाह, I thought he played really well, looked a very good player, and then of course उनके जो seasoned player हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा, गुलबदीन बड़ा अच्छा खेले हैं, 35 रन उन्होंने किए. सो दे हैव गॉट द सोर्सेज. राइट, नमीबिया के लिए ये है कि नमीबिया विल स्ट्रगल, आई हैव अ फीलिंग, बिकॉज अगेंस्ट द स्पिनर्स दे विल हैव इशूज. अगर वो उनको स्पिनर्स को किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग गो एंड स्कोर हंड्रेड्स ऑफ रन्स अगेंस्ट देम, बट इफ जस्ट प्योरली इफ दे सर्वाइव अगेंस्ट देम, डोंट गिव देम विकेट, देन दे माइट जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ चांस. अदरवाइज अफगानिस्तान दे हैव कम विद अ माइंड सेट के जी हमने वर्ल्ड कप जीतना है. आपने राशिद खान को भी सुना था, तो सो दे विल प्ले फ्रीली, दे ऑलवेज प्ले फ्रीली. राशिद की आपने बात की, वहाँ ने बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो मैं शादी करूंगा, ऐसे ही कोई उनकी वो है ना आई हुई थी. क्या वर्ल्ड कप जीतेगा तो शादी करेगा, दैट्स बिट एक्सट्रीम बैट. आई थिंक इट्स लाइक अगर तो वर्ल्ड कप जीत गया तो शादी तो बनती है. अगर वो ना जीता तो क्या अगले 20 साल शादी नहीं करेगा? कितना खुशकिस्मत आदमी हो गया यार, नहीं जीतेगा. नो कमेंट, नो कमेंट, देख रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम दैट कमेंट. That's the first game that that we're going to go to. Dosto, obviously, कुछ देर बाद हम टॉस पे जाने लगे हैं, लेकिन वो आपको पता है कि हमारा ट्रेडिशन है यहाँ पर, ये वकार आपकी पर्ची आ गई है स्कोर के लिए, ये वहाँ आपको दे दें, ये वसीम आपकी टॉस के बाद बताएंगे ना. हाँ, ये रख लें आप, मैं आपको मैं पर्चियाँ दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने You have to participate. एक tradition है मिस्बा, उस tradition को मिस बड़ा जरूरी है. मैं वसीम भाई फिर मुझे दिखा के लेकिन. No, I'm not. ये क्या बात हुई? किस किस्म का cheating करने वाला बच्चा है भाई तू? One job. तो क्या school में तुम इसी तरह exam देते थे, अपने test देते थे भाई? साथ वाले का देख के यार वो क्या लिख रहे हैं, मैं भी फिर देख के कॉपी करूंगा. यार कुछ गलत में मैं खुद बैठा होता था ना यहाँ, मैं इतनी दूर बैठा हूँ आराम में से. अच्छा चले, कोई नहीं है. साथ साथ में एक सवाल है वैसे मिस्बा, आप ये बाद में लिख सकते हैं, लांस क्लूजर का क्या रोल है या क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा इन द अफगानिस्तान कैंप? आई थिंक ओवरऑल अगर इस अफगानिस्तान टीम को देखें तो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, एक बैलेंस बड़ा अच्छा बनाया के ऊपर ऐसे बैट्समैन है जाके फ्रीली खेलते हैं, फिर इन द मिडल स्पेशली जैसे गुरबाज आता है और पिछले मैच में गुलबदीन ने नीचे से आके बैटिंग की, नबी नीचे हैं उसको प्रेशर को हैंडल करने के लिए. नॉर्मली पहले अफगानिस्तान का जो होता था वो ये होता था ऊपर से अगर 2-3 उनके आउट हो गए ना तो दे नॉर्मली जस्ट गेट आउट ऑन 100, 120, 110 उस तरीके से वो बीच में वो गेम. तो ओवरऑल जो एक बैलेंस टीम का नज़र आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट
लांस क्रूजनर इज डूइंग के वो एक अटैकिंग माइंडसेट ऊपर से है, फिर मिडिल में जिस तरह आप उस टीम को उस पूरे बैटिंग लाइनअप को लेके चलते हैं वो है, एंड देन द फिनिशर्स. या दैट इज लांस क्रूजनर इज वी गॉट अ प्रोफाइल ऑन हिम, लेट्स टेक अ लुक. राइट देयर यू हैव इट, लांस क्रूजनर. हाउ डज वन जो वो जिस मैच की वो बात कर रहे हैं वकार, जिसमें उन्होंने ये सिंगल लिया था, जिस पे जहां से मेरे ख्याल है वो कहानी चोकर्स वाली शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका के लिए, दे चोक when they need to be, how does one get over it? How does one forget it and move on in life? I guess the top cricketers, they get over it. Yeah. I mean, there are good days and there are bad days. I mean, us World Cup mein South Africa jis tarike se khel raha tha, do match aa rahe the, ek nahi aa rahe the, upar niche do match, ye log Australia se aa rahe the aur dono close call, aur Gibbs ne ek jo catch giraya seedha, uske baad Steve Waugh ne jo century ki, aur Steve Waugh ne, I've heard ke this, ke Steve Waugh won क्रॉस कर रहा था तो गिब्स क्रॉस्ड हिम ऑन द पिच और उसने उसको बोला कि यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप माइट. ओह वाओ. एंड दे वेंट ऑन टू विनिंग द वर्ल्ड कप, विन द वर्ल्ड कप. सो आई मीन ऑजीज आर वेरी टफ इन दैट, सो दैट्स व्हाई आई नेवर राइट देम ऑफ इन एनी टूर्नामेंट. बट ये ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर. आई मीन क्लूजनर अगर प्रोबेबली आजकल होता जब T20 ज्यादा हो रही है, he would have been one of the most expensive player. Yeah, very dangerous, especially in white ball. One days में भी ओपन करता था, इसने हमारे खिलाफ आई थिंक लाहौर में 100 भी किया था, बड़ा मारा था हम दोनों को. yeah. तो भी था या बड़ा फड़काया. गुड मेमोरीज ऑफ लांस क्लूजनर. या ज़ुलू वॉरियर कहते हैं उनको. या ज़ुलू इज अ नाइस गाय, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब विद अफगानिस्तान, ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय, एंड आई थिंक दे ऑल द प्लेयर्स आर इन प्रेज ऑफ हिम, द वे ही कंडक्ट्स, द वे ही कम्युनिकेट्स विद द अफगानिस्तानी टीम, एंड यू नो ही हिमसेल्फ वाज अ टॉप वाइट बॉल क्रिकेटर, सो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस उनको बता रहा होगा. ज़ुलू सीख गया होगा वैसे अफगानी, यू थिंक सो? पश्तो? आई डाउट इट. यू डाउट इट? ही लुक्स लाइक वन नाउ विद दैट हैट ऑन, विद दैट अफगानी कैप ऑन. हम नहीं सीखे आज तक तो. पाकिस्तान टीम में तो काफी सारे हैं हमारे पठान, अब तो ज्यादा हैं. Yeah. And that, by the way, takes us back to the thing जो वहाब ने उस वक्त की बात की थी एक दफ़ा, कि वो जो नॉर्दर्न इलाके हैं, जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं, गाँव वगैरह हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक वी आर सीइंग देम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोग. इन देयर डिफेंस वी हैड टू लर्न पश्तो नाउ, बिकॉज इवन कराची के ड्रेसिंग रूम में 5-6 हैं तो वो पश्तो ही बोलते हैं. तो हम लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, so we have to learn it now. I suppose it's a beautiful language, very sweet, very sweet, sounds very sweet. हाँ जी, बस जब बोलते तो ऐसे लगता लड़ रहे हैं इंग्लिश. नहीं तो पंजाबी में भी ऐसे लगता है, जब पंजाबी में लोग बोल रहे होते हैं तो वो भी लगता है कि लड़ाई हो रही है. Beautiful language, great poetry, but bit crude at times. Especially the kind of language we use, वो काफी crude हो जाती है in between the breaks. और उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर. तो दोस्तों, दो मैचेस हैं आप लोगों के लिए जो हम लेकर आएंगे. आपसे कुछ लम्हों बाद हम लोग जाएंगे अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होंगे. बस हम उसका इंतजार कर रहे हैं अभी, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है. जल्दी से बात कर लेते हैं एक दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से भी. पाकिस्तान एक बार बार सवाल आ रहा है, आप चारों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. मुसलसल लोग कह रहे हैं कि जी अब हमारे दो आसान मैचेस हैं, क्या हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ लोगों को रेस्ट करा कर कुछ और लोगों को टेस्ट करना चाहिए? अभी कोच थे तो आप लोग क्या करते? देखिए, ये चीज़ें आप तब करते हैं जब आपको कोई भी जगह ऐसी नज़र आ रही हो कि जहाँ आप समझते हैं कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अगले मैचेस में. सेमीफाइनल में हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके बारे में हम सोच रहे हैं या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं. द ओनली कंसर्न एट द मोमेंट इज़ कि थोड़ा सा आप इन फॉर्म देखना चाह रहे हैं हफीज़ को, तो आई थिंक that is one concern for Pakistan. But the more he plays, the better he becomes. I would have to stop you there. बराए राज साहब को लेकर जा रहे हैं इस वक्त अबू धाबी, जहां दोनों कप्तान जो हैं वो टॉस के लिए तैयार हैं. आइए देखते हैं टॉस इन अबू धाबी. जी हाँ, खबर यह है अबू धाबी से कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. नामीबिया ने इस ग्राउंड में पहले भी चेस किया है, सो दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेस. ट्रम्पल मैन जो है इनके, वो बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. दिन की कंडीशन में उनकी क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है मिसबा? देखिए, दिन में ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि वो जो थोड़ा सा बॉल निकलता है उस तरह स्विंग शायद ना हो, बट जो उसकी अच्छी चीज़ है कि अच्छी लेंथ में बॉल करता है, ऑब्वियसली वो ज़रूर आएगा. और उसको इतना आसान रन करने नहीं होते दिन के टाइम, थोड़ा स्लो आएगा बॉल,
ऑब्वियसली स्विंग और सीम उतना नहीं होता डे टाइम, इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती, बट स्टिल इफ़ यू आर हिटिंग द राइट लेंथ, अच्छी लाइन पे आप बॉल कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता कि फ्रीली आप उसको रन कर सकें। राइट जी, अफगानिस्तान की टीम में एक चेंज है, ये टीम आपकी स्क्रीन पे डालते हैं, ये नज़र डालें इसके ऊपर और वकार। वन चेंज, हामिद कम्स इन, मुजीब, दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज क्योंकि नया बॉल अभी तक हामिद ही कर रहे थे, बैटिंग उनकी वो इसी तरीके से, जज़ाई विल गो हार्ड, शहजाद विल गो हार्ड, रहमानुल्लाह प्लेड रियली वेल अगेंस्ट पाकिस्तान, अफगान प्लेइंग हिज लास्ट गेम सो ही वांट्स टू लीव हिज मार्क, नजीब मोस्ट एक्सपीरियंस वन ऑफ कोर्स, नबी इज देयर, सो इट्स अ प्रीटी बैलेंस साइड। जो सरप्राइज, जो मेजर सरप्राइज है कि दे आर प्रोबब्ली लुकिंग फॉर अनदर पेसर बिकॉज दे ऑल्सो थिंकिंग कि हमने अगली गेम्स में भी जाना है क्योंकि पिछली गेम में अगेंस्ट पाकिस्तान इनको पेसर्स ने डिसअपॉइंट किया थोड़ा सा, सो दे वांट टू ट्राई प्रोबब्ली आउट जीब इज देयर मेन बॉलर, दैट्स अ बिग डील, आई होप ही इज नॉट इंजर्ड, उसको आई थिंक कोई जो उन्होंने बोला इंटरव्यू में कि ही इज नॉट फिट, सो मे बी ओके देन नामीबिया की टीम है, वहाब ओवर टू यू। देखिए सेम टीम के साथ जा रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट विद द सेम टीम और हमें पता है कि इनमें जो सबसे अच्छा खेल रहा है वो डेविड वीजे और जो स्मिथ है, वो इवन के जो कैप्टन एमएस हैं वो भी अच्छा खेल रहे हैं, सो दे वी नो के दे हैव अ गुड साइड, दे हैव प्लेड सम गुड क्वालिटी क्रिकेट इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, बट अगेंस्ट अफगानिस्तान इट्स नॉट गोना बी ईजी बिकॉज दे हाईली रिलाई ऑन देयर स्पिनर्स एज वेल, जिसमें वॉथ जो थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, so this is how it is, but Afghanistan always have that upper hand because you know they will put some runs on the board aur jis tarike se unhone Scotland ke against khela hai, so it's never going to be easy for we have a question to you all four of us, why aren't you coming into this prediction, we're not going to give you free food all the time. Does he need free food? I think it'll be opposite. It's the opposite. Yeah. So please, your yes. What? How much we will ask you on air? How much Afghanistan will score? I think Afghanistan is going to put about 163 runs. Wow, Rakhde. You have heard from us, right? Yes. You have written on the papers. Hey, there is no gun. I have heard from you, sir. You have written on the papers. Okay. So it's 163 that I'm guessing that Afghanistan will put there. What should be Namibia's approach, Misbah, against? The Afghan spin attack. देखिए मेरे ख्याल में बड़ी उनके लिए एक रिलीफ है कि मुजीब नहीं खेल रहा, एंड दैट गिव्स देम अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज, मीडियम पेसर्स हैं ज़्यादातर, एक बॉलर जिसको उन्होंने डील करना है जो कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है और मुश्किल बॉलर राशिद खान, सो आई थिंक नबीबिया बहुत खुश होगी कि मुजीब नहीं खेल रहा, दे आर चेजिंग। अमेजिंग थिंग ये है कि मुजीब नहीं खेल रहा एंड दे स्टिल इलेक्टेड टू Bat first, because पहले तो you are bank कर रहे हैं। That's their strength. I think that's their strength. उनको पता है कि उनकी batting पहले खेलते without pressure तो वो। लेकिन वो bank तो यही कर रहे थे ना कि उनके पास spinners इतने अच्छे हैं तो they will make sure कि defend true, defend कर लेंगे कोई भी total। It's also a good thing कि obviously मुजीब जो है उनका main bowler है, but you know they somewhere against India or Afghanistan they might have to try Hamid. So this is the best chance to utilize him Hamid as a bowler to see कि वो कैसे जाता है, ही विल गेट अ गो, ही विल बी गेट सम कॉन्फिडेंस, अगर वो बॉलिंग अच्छी करता है तो कैप्टन विल कम टू नो दैट हाउ टू यूज हिम इन द फ्यूचर गेम, उसको उसको डेथ बॉलिंग में बहुत रेट करते हैं और इंजरीज की वजह से उतनी क्रिकेट नहीं खेला, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट बॉलर जो, लेकिन वर्ल्ड कप में जब आप मैच हारे हुए हैं यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस, यू नो नामीबिया इज नॉट अ, आई थिंक दैट्स अ फोर्स चेंज फॉर देम, नॉट अ सी मेक सवाल है मेरा, ही इज अनफिट। वसीम एक सवाल है, असगर अफगान ने कहा है कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ इस मैच के बाद, आई मीन ही कुड हैव सेड कि मैं वर्ल्ड कप के बाद ले रहा हूँ, व्हाई डज ही वांट टू अबैंडन द टीम राइट हियर? आई विश आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन कि व्हाट गोइंग थ्रू हिज माइंड, बट इट्स एक्चुअली बिट ऑड that you're retiring in the middle of the World Cup. After Kaido announce kar do World Cup ke baad main retire ho jaunga, but I don't know what's will the they get replacement on that? They probably will. What is the law on that? Yeah, that's an interesting situation. They will get the replacement obviously. Somebody is mujhe lagta hai replacement mein
कोई चाइना मैन आएगा इतना अच्छा है ना वो नूर 16 साल का बच्चा है सो मैनी हाँ नहीं बट दैट गाय प्लेड फॉर कराची किंग्स ओनली 16 एंड अ हाफ ऑलराइट फोक्स सिचुएशन अबू धाबी में अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा नामीबिया चेस करेगी और उसके बाद फिर वहीं से हम आपको बराह रास्त लेकर जाएंगे दुबई द रिंग ऑफ फायर वेयर न्यूजीलैंड एंड इंडिया आर गोइंग टू क्लैश इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम बोथ टीम्स वांट टू विन we are going to be back on air after the second game. Dekhte rahiye A Sports and 10 Sports. Main Upakhri Alam aur ye hai The Pavilion. See you on the other side of the games.